गुड मॉर्निंग, सभी को स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप लोग इस करंट अफेयर्स को डेली लिखा करें, प्रतिदिन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स पर जो भी हम चर्चा करते हैं उसकी महत्वपूर्ण बातें और स्टैटिक जीके के प्रश्न भी लिखा करें। परीक्षा में प्रश्न महत्वपूर्ण होगा और यहीं से आएगा। पहला प्रश्न देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से है। इसने भारत की आर्थिक विकास दर की जो 2023-24 वित्त वर्ष के लिए घटाकर कितने परसेंट करने का अनुमान लगाया है। पहले जो अनुमान लगाए थे इन्होंने उसमें कुछ घटाकर पुनः 2023-24 के लिए, जो 23-24 का वित्त वर्ष है उसके लिए नया अनुमान किया है। तो इसका नया अनुमान क्या है, तो इसका जो नया अनुमान इन्होंने लगाया है अब 6.4% बताया है कि भारत का विकास दर जो है 2023-24 में, ये बात याद रखिएगा, वित्त वर्ष कौन सा है 2023-24 में घटाकर और 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जितने भी मैं एजेंसियों का मैं करवाता हूँ, चाहे IMF हो, विश्व बैंक हो, NDB हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, क्रिसिल हो, मूडीज हो, कोई भी हो, इन सब का ध्यान रखेंगे आप लोग। 6.4% रहने का अनुमान लगाया है 2023-24 में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। 2024-25 में 6.7 की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। 2024-25 में कितना होगा, 2024-2025 में 6.7% का अनुमान लगाया है, अनुमान है ना, तो ये याद रखिएगा, ये अनुमान लगाया, ये पूछा जा सकता है। अब एडीबी के बारे में जानिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय इसका मनीला में है, मुख्यालय मनीला में है। सदस्य देश 68 है, भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है, सदस्य इसके है 68 देश इसके सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है, फिलीपींस मनीला में इसका, ये स्टैटिक जीके के लिए कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत संस्थापक सदस्य देश है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, ये सारी बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नया अनुमान 6.4 2023-24 के लिए, 2024-25 6.7। अगला प्रश्न देखिए, एप्पल ने कहां पर अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की, भारत में एप्पल पहली बार अपना रिटेल स्टोर खोलेगा। अब यहां पर जो है, यहां पर मोबाइल असेंबल होंगे, उसके जो आईफोन, अभी लोग बड़ा चिल्ला रहे थे आईफोन 14, ये दूसरे देशों में असेंबल हो, भारत में नहीं होता, अब भारत में असेंबल करेंगे, है ना। तो कहां पर खोला है अपना एक रिटेल, खोले घोषणा किया है, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद या चंडीगढ़, तो अपना पहला रिटेल जो खोलेगा ये खोलेगा मुंबई में। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, इज द राइट आंसर, मुंबई में एप्पल अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगा, पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एप्पल ध्यान रखिएगा, एप्पल आईफोन कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में नंबर वन कंपनी है, सबसे एक नंबर है एप्पल। अगर हम देखा जाए कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी, मूल्यवान कंपनी कौन सी है, एक नंबर पर अभी अमेजन है, अमेजन एक, दूसरे नंबर पर एप्पल है, एप्पल दो पर है, याद रखिएगा। अमेजन दुनिया की सबसे मूल्यवान और एप्पल दूसरे, पहले एक नंबर पर था, अब अमेजन एक नंबर पर आ गया है, तो सबसे मूल्यवान कंपनियों में से है एप्पल, याद रखिएगा। इन्होंने अपने रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 5 अप्रैल 2023 को एक अपने बयान में इन्होंने रिटेल आउटलेट को भारत में मुंबई में खोलने की घोषणा की है। पहले 2021 में खोलना चाहते थे लेकिन कोरोना वायरस कारण ये योजना फेल रही और 2021 में खोल नहीं पाए, अब ये 2023
23 में ये खोलने वाले हैं। एप्पल लिंक भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगा। चीन में इसको उत्पादन पर अंकुश लगाना चाहता है। वर्ष 2022 में भारत में निर्मित और शिप किए गए आईफोन्स की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपना एप्पल स्टोर खोलेंगे और भारत में जो है बहुत इसकी डिमांड भी है। आईफोन 14 का यहाँ पर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। आईफोन 14 का निर्माण यहाँ किया जाएगा, याद रखिएगा। 6 अप्रैल 2023 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना। 2023 जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में देखना भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप याद रखिएगा 101वां स्थान, 101वां। दिसंबर 2022 में 106वें स्थान पर था। अब पांच अंक सुधार किया है, 5 अंक ऊपर चढ़ा है और 5 अंक ऊपर चढ़ के फुटबॉल टीम जो भारत के 101वें स्थान पर आ गई है। अभी भी नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है, अभी भी भारत की रेटिंग कितनी है, 8.57 रेटिंग है ना। रेटिंग कितना है, रेटिंग 8.57 अंक, ये अंक किसको मिला है, इतनी रेटिंग के साथ है 101वें स्थान पर। तो ये रेटिंग वाला अंक भी लिख लीजिएगा। अब देखिए सबसे एक नंबर पे कौन है नवीनतम रैंकिंग में, पिछला जो 22 दिसंबर को जारी किया गया था है ना, उसके बाद पिछला दिसंबर में जारी किया गया था 22 दिसंबर को। अभी नवीनतम रैंकिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम कौन सी है, नवीनतम रैंकिंग में, नवीनतम रैंकिंग में देखेंगे, नवीनतम रैंकिंग शीर्ष एक नंबर पर कौन है, एक नंबर पर ध्यान रखिएगा, एक नंबर पर अर्जेंटीना है, दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है अर्जेंटीना, एक नंबर पे अर्जेंटीना है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे पे ब्राजील, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पर बेल्जियम, तीसरे पर बेल्जियम और पांचवें पर इंग्लैंड, पांचवा जो है इंग्लैंड, पांचवा नंबर है इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड में यहां लिख देता हूं पांचवा। पांचवा इंग्लैंड, याद रखिएगा ये शीर्ष 5 स्थान है दुनिया की 5 सर्वश्रेष्ठ टीमें है ना, सर्वोच्च रैंक है। जापान एशियाई देशों में सबसे ऊपर है, एशियाई देशों में नंबर 1 जापान है, एशिया में जापान शीर्ष पर है, एशिया में जापान शीर्ष पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये रख लीजिए, भारत के रैंकिंग याद कर लीजिए। हाल ही में किस खाड़ी देश ने निवेश और नौकरियों में को आकर्षित करने के लिए एक गोल्डन लाइसेंस, ध्यान रखें क्या किया है, गोल्डन लाइसेंस शुरू किया है, कौन सा, ईरान, तुर्की, कुवैत या बहरीन, इसका क्या उत्तर होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बहरीन, इज द राइट आंसर बहरीन, इसका सही जवाब हो जाएगा बहरीन, बिल्कुल सही जवाब है बहरीन, डी। एक खाड़ी देश है, निवेश अपने देश में निवेश बढ़ाने के लिए, अपने देश में नौकरियों को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया गोल्डन लाइसेंस देना शुरू किया है, याद रखिएगा, यह बहरीन के द्वारा शुरू किया गया है। अप
अप्रैल 2023 में गोल्डन लाइसेंस शुरू करने की घोषणा किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है निवेश नौकरियों को बढ़ाने के लिए, कंपनियों को खाड़ी देश में निवेश के लिए आकर्षित करना। अब इसमें कहा गया है कि 50 मिलियन डॉलर वाली जो कंपनियां हैं, 50 मिलियन डॉलर वाली कंपनियों को ही ये लाइसेंस मिलेगा। 50 मिलियन डॉलर वाली जो कंपनियां हैं या देश में 500 नौकरियां सृजित करने की योजना वाली 50 मिलियन डॉलर वाली कंपनियों या 500 रोजगार सृजित करने वाली, 500 रोजगार सृजित मतलब 500 रोजगार जो सृजित करते हैं, सृजित करने वाली कंपनियों को ही यह लाइसेंस मिलेगा। याद रखिएगा, यह लाइसेंस मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है, ये फारस की खाड़ी में एक द्वीपीय देश है। ध्यान रखेंगे, बहरीन का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। बहरीन खाड़ी देश है, फारस की खाड़ी में एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी मनामा है। 50 मिलियन डॉलर या 500 रोजगार सृजित करने वाली जो कंपनियां हैं उसी को एक गोल्डन लाइसेंस दिया जाएगा। और गोल्डन लाइसेंस देने का मेन मकसद क्या है कि अपने वहां निवेश बढ़ाने, नौकरियों को बढ़ाने, अधिक से अधिक नौकरियां दिलवाने के लिए कंपनियों को आकर्षित करना है, ये मेन काम है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा बहरीन इज द राइट आंसर। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? याद रखिएगा, यूरोपीय फुटबॉल संघ का नया अध्यक्ष है, नए क्या पहले से बने हुए थे, फिर से इनका कार्यकाल चुन लिया गया है, अलेक्जेंडर शेफरिन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर शेफरिन दोबारा जो है यह बना लिए गए हैं यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष। अलेक्जेंडर शेफरिन 5 अप्रैल 2000 यूरोपीय फुटबॉल संघ लिस्बन में 47वीं साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर शेफरिन को यूईएफए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वर्ष 2027 तक 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल चुने गए हैं। इनका कार्यकाल कब तक होगा? कार्यकाल 2027 तक। यह दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। याद रखिएगा, 2027 तक रहेंगे। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरोपीय फुटबॉल संघ, इसकी स्थापना 1955 में हुई। 55 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के लिए यह एक संगठन है। 1955 में स्थापना हुआ था इसका, यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए स्थापना 1955, और इसके सदस्य जो हैं 55 हैं। 55 सदस्य देशों के लिए क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अप्रैल 2023 को अंडमान निकोबार कमांड ने 5 अप्रैल 2023 को अंडमान निकोबार कमांड ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या किया, आयोजन किया है ना, उसका नाम क्या है? त्रिसेवा, कवच, सी विजिल, ट्रापेक्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा कवच नाम से एक अंडमान निकोबार जो कमांड है उन्होंने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है कवच। कवच नाम से किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कवच नाम से 5 अप्रैल 2023 को अंडमान निकोबार
कमांड ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 5 अप्रैल को यह किया गया। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के हथियारों उपकरणों का उपयोग एक्स कवच में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा किया गया था। इस संयुक्त सेवा अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य सेना के समन्वय और संयुक्त क्षमता को बढ़ाना, उद्देश्य क्या, सेना के समन्वय, उद्देश्य 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 क्या है सेना के संयुक्त समन्वय को बढ़ाने, याद रखेंगे आप लोग। सेना के समन्वय और सेना के समन्वय और संयुक्त युद्ध क्षमता को बढ़ाना, संयुक्त युद्ध क्षमता को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा यह इसका उद्देश्य है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सभी ने भाग लिया था इसमें। भारतीय सेना, नौसेना, सेना, नौसेना, वायुसेना ने भाग लिया। और ये कहां हुआ, अंडमान निकोबार में ही हुआ है ना। कहां आयोजित किया गया, अंडमान निकोबार में ही यह आयोजित किया गया, जिसका नाम है कवच। तो ध्यान रखिएगा कवच का आयोजन ये किया गया। पिछला कवच का आयोजन 2021 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। यह उभयचर हमले, समुद्री हवाई हमले और समुद्र में युद्धाभ्यास किया गया था, है ना। तो ये याद रखेंगे कवच अंडमान निकोबार कमांड ने किया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की जारी ताजा रैंकिंग में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान मिला है, है ना, याद रखिएगा। अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और इसकी ताजा रैंकिंग भी दिया है और पूछा गया है, इसमें प्रश्न ये बनाया गया है कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी को बोलते हैं, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसको कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, तो इसको जो स्थान मिला है 9वां स्थान मिला है, टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा, एशिया में पहले स्थान पर है ना, एशिया में पहले स्थान पर है। ताजा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान मिला है, एशिया में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2022 शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में, सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में, है ना, जो रैंकिंग जारी की गई है, यह रैंकिंग सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। पहले स्थान पर कौन है, दिल्ली तो 9वें स्थान पर, पहले पर कौन है, तो पहले पर अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा, जिसको हार्टफील्ड कहा जाता है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला स्थान शीर्ष पर, पहला हार्ट्सफील्ड नाम थोड़ा सा इसका वैसे है, हार्ट्स हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा बोले जाता, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन है, है ना, ये यूएसए में, अटलांटा यूएसए में है, ये भी याद रखिएगा। डलास फोर्ट, डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, ये भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। डेनवर हवाई अड्डा तीसरा,
हेनेमर हवाई अड्डा तीसरे पर है, हेनेमर हवाई अड्डा तीसरे पर है। शिकागो चौथे पर कौन सा है? फोर्थ शिकागो, शिकागो हवाई अड्डा जो है वह चौथे पर है। अब पांचवें पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पांचवें पर है। तो पांच सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के बारे में जाने, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट हवाई अड्डा, डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथे पर शिकागो हवाई अड्डा, पांचवें पर दुबई, और नौवें नंबर पर है। छठे पर देखेंगे तो छठे पर जो है वो है लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सातवें पर है इस्तांबुल तुर्की वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आठवें पर है लंदन हवाई अड्डा, नौवें पर दिल्ली और दसवें पर पेरिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सारी बातें आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा, जिसका नाम दिया गया दृश्य नाम दिया गया, शॉर्ट नेम इसका दृश्य है, तो किस राज्य की सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा दृश्य योजना को शुरू किया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाम इसी में है हरियाणा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, है ना, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा, जिसको कहा जा रहा है शॉर्ट नेम है दृश्य, और इसको शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब ये क्या है? हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, संजीव कौशल ने, है ना, 4 अप्रैल को ये जो है यह स्टार्ट किया था, और किसके लिए? स्टार्टअप संगोष्ठी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी और सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना, कौशल ने बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा एवं कृषि बागवानी के लिए, बागवानी के लिए सुरक्षा आधारित परियोजना, सुरक्षा आधारित परियोजना है, सुरक्षा आधारित मतलब इससे जुड़ा हुआ है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा, इसलिए किया गया है कि कृषि से संबंधित और बुनियादी ढांचा जो हरियाणा के बहुत सारी चीजों की जो जरूरत है उसके लिए, उसकी सुरक्षा और उसमें इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए ये एक दृश्य नाम से एक योजना शुरू किया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, लगभग पता बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। हरियाणा में दो ही रामसर स्थल है, एक सुल्तानपुर है और दूसरा आप लोग बताइए, हरियाणा, हरियाणा के लगभग इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लिखिए। लिंगानुपात के मामले में हरियाणा 2011 सेंसस में सबसे नीचे है, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब इस लिंगानुपात सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी कहाँ से किया था? पानीपत से किया था, यह भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ डे का आप देखेंगे पूछा जा रहा है, थीम पूछा जा रहा है, थीम क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये जरूर याद कर लेना, वर्ल्ड हेल्थ डे ना कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ये प्रश्न में ही है, तो थीम क्या होगा? हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, ये थीम रखा गया इस बार थीम जो है हेल्थ फॉर ऑल है, सबके लिए स्वास्थ्य। इसका सही जवाब है ए, ये याद रख लीजिएगा। 7 दिवस को मनाते हैं, अब क्यों मनाते हैं तो देख लेंगे। WHO इससे जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ था इसका? तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को,
इसीलिए 7 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस है, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेड ऑफिस जो है वो है जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग जेनेवा करते हैं राजधानी पे। और इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं WHO के, उनका नाम है टेड्रोस एघानम घेब्रायसिस, टेड्रोस अघानेम घेब्रायसिस पूरा नाम है इनका, घेब्रायसिस है ना, टेड्रोस अघानम भी लिख देंगे तो भी चलेगा। WHO याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी बात आप याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेल्थ फॉर ऑल इस बार का टीम है। हाल ही में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 महिला और पुरुष किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर है ना, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, और पुरुष और महिला दोनों में बताना है, हॉकी के लिए पुरुष का भी और महिला और पुरुष दोनों का ही बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविता पुनिया महिलाओं में, है ना, महिलाओं में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, और हार्दिक सिंह पुरुषों में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजे गए हैं, और ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी सिर्फ सिंगल प्रश्न ही बनेगा, ये भी याद रखिएगा। हॉकी में एक टोक्यो ओलंपिक जो इस 2020 का जो 2021 में हुआ 2020 जो 21 में हुआ उसमें 41 साल बाद भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2020 में 41 वर्ष बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, महिला हॉकी टीम ने नहीं, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता, ये बात याद रखिएगा, 41 वर्षों बाद जीता था, जबकि इसके पहले सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है इसी में जीते गए हैं, और लगातार वर्षों में गोल्ड मेडल जीते गए हैं भारतीय जो हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, उनके समय में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते गए, और सबसे ज्यादा मेडल जो है हॉकी के द्वारा है, अब तक 10 मेडलों में से 8 हॉकी में ही हैं, 2 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हैं, एक अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग में, और एक जो है 2020 के ही टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो, है ना, तो ये याद रखिएगा आप लोग। PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ जो है गोल कीपिंग के लिए इनको अवार्ड मिला था, इनके वजह से ही ये पदक जीता गया था। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और ध्यान लीजिए कि लगातार 2021 का और 2022 दोनों वर्षों का BBC है ना स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, यहां मैं लिख देता हूं BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मीराबाई चानू, याद रखेंगे आप लोग, मीराबाई चानू मणिपुर की वेटलिफ्टर है, मीराबाई चानू है ना। BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का तो था ही, 2022 का भी इन्होंने ही जीता है, मीराबाई चानू, और ये ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर पदक इन्होंने जीता था, याद रखिएगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ, इस सारे इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, बार बार पूछा जाएगा, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।